बोलते मेरे बेटे को स्माइल देखो देखो तो स्माइल देखो तो ओली बॉप लिवा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है नवरात्रि का नौमी और आज जो जौ है वो काट देंगे और आज हवन करेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग घर के लिए, क्योंकि हमारे घर पे बड़ा वाला पूजा होता है आज, तो वहाँ पे भी पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। तो जल्दी से जाएंगे ताकि अम्मा का हेल्प कर सके और शाम में अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस ऐसे एंजॉय करते रहिए, साथ में हमारे ब्लॉग को भी एंजॉय कीजिए और मेरे बेटू के छोटे छोटे नटखट वाला जो ये नटखट वाला क्या तो उसको भी एंजॉय कीजिए। चेतु देखो अरे देखो तो बेटू इधर, उसको बटन दिख गया कुछ इंटरेस्टिंग सा। देखो बेटो उधर तो इसको रहने दीजिए बिजी। दोनों रेडी हो गए और दोनों पूजा करेंगे। मैं पूजा कर ली हूँ तो मोमेंट कट करेंगे तो सारा आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं डेकोरेट भी कर ली हूँ हवन के एरिया को, तो चलिए वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, बिल्कुल सिंपल मैं थोड़ा डेकोरेट कर दी हूँ और बस अभी करेंगे हवन। क्या व्हाट यू आर डूइंग? उसको पता क्या कर रहे। ओके बेटा, अभी से मम्मी से प्रिपरेशन ले लो, सब चीज आप करना चाहिए। करेगा हवन भी मैं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई स्कूल, क्योंकि स्कूल में हमेशा हवन होता था। हम लोग का जो स्कूल था डीएवी, तो उसकी वजह से मुझे मंत्र वगैरह थोड़ा याद है, तो इसको भी याद हो ही जाएगा, मेरे साथ करेगा तो। है ना? और ये देखिए जौ हमारा कितना बड़ा हो गया है और बिल्कुल ग्रीन है, येलोइश नहीं आया है। इट मीन्स ये अच्छा होता है, थोड़ा येलो नहीं आना चाहिए, ग्रीन होता है तो अच्छा होता है ऐसा बोलते हैं। आई डोंट नो, पानी अच्छे से देंगे तो ग्रीन आएगा ही। एंड मेरी दुर्गा माँ और मेरा जो ये दिया जलता है 9 दिन, तो वो जल रहा है। सारा हुआ हमारा जो मोमेंट आपको लगा दूं? नहीं, कहाँ के ऊपर लगाते हैं, कितना देर रहेगा पता नहीं। आपके चश्मा से ऊपर कर देती हूँ। 2 मिनट लगाएंगे चेतन को, इधर लगाते लड़की के hey. फूल जैसा फूल बन जाएगा। देखो ना, इसको कुछ तो लग रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। ये देखो क्या हो गया बेटा। तो ये हमारा हवन हो गया है। देख रहा।
लंच कर लिए हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता है इस वजह से, और अभी एक घंटा है, कहाँ गिरा दिया बेटू, तो अभी एक घंटा है पहुँचने के लिए, और भीड़ थोड़ा है क्योंकि आज फेस्टिवल है ना, तो सभी लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा भीड़ है। अरे मोमेंट क्या घुसा हुआ है मोमेंट भी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, ये रोड पे ना जनरली बहुत आराम से चलते हैं हम लोग, क्योंकि उतना ज्यादा भीड़ नहीं रहता है जब आते हैं तो, बट फेस्टिवल जब जब रहता है तब तक थोड़ा रहता है, तो उस वजह से बहुत फास्ट में तो गाड़ी नहीं चल पा रहा है स्मूथली जो चलता है आराम से कभी इधर टर्न कभी उधर टर्न वो करना ही पड़ेगा तो, और अभी धूप इतना ज्यादा हो गई है, जब निकले हैं ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और अभी पूरा धूप है इस साइड में, तो पता नहीं देखिए हसन जाकर के कैसा रहता है। बेटू अज्जी से मिलेंगे, चलो सेतू खेलने में बिजी है, बेटू बिजी खेलने में सबसे मिलेगा, हाँ ताता से अज्जी से दोडज्जी से है ना। ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹತ್ರನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅರೆ ವಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ? ಅಪ್ಪಾಜಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ, ಓ ಇತ್ತ ಸಾರ ಚಿಕನ್ ಬನ್ ರೇ ಮಟನ್ ಮಟನ್ फुल डर्ट पार्टी है पचे पार्टी अरे मोमेंट को देखिए स्मेल लेने के लिए गए। तो अभी शाम हो गया है, तो हम लोग अभी पूजा करने जा रहे हैं पहले गाड़ी का, और तब तक अप्पा जी ऊपर में कर रहे हैं सभी चीज अरेंजमेंट, और अप्पा जी करते हैं हर साल, तो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। हर साल अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वहां देख लेना। कर्पूर उदगड्डी बाड़ेहण्णु और वो सभी चीज नहीं लेके आया, लेके आया नीचे। क्या क्या लाना है? कर्पूर अगरबत्ती और बाड़ेहण्णु और विले पांच सुपारी पांच सुपारी बस ठीक है। उसके बाद ये मैच बॉक्स ओके लेके जाएंगे ये। उसके बाद ये कोकोनट पांच चीज लेके आती हूँ। देखो आधा सामान लेके जा रहा पूजा करने के लिए, देख लीजिए। तो अभी अम्मा भी जा रही है मेरे साथ, सारा सामान फाइनली हम लोग लेके जा रहे हैं नीचे पूजा करने के लिए गाड़ी का। ये नया वाला गाड़ी का तो फर्स्ट टाइम पूजा होगा, मतलब ये फेस्टिवल वाला तो चलिए चलते हैं। तो ये दोनों गाड़ी एक जगह लगा दिए हैं, और ये दोनों स्कूटी लग गया। से ना थोड़ा सा चलाना पड़ेगा गाड़ी को, तो दोनों गाड़ी को चला रहे लोग।
एंड अभी चलते हैं ऊपर, अपन जी सारा करके रखे होंगे और अम्मा लोग तो वहां पे भी पूजा करते हैं। देखिए घंटी का आवाज आ गया।